ऑफिशियल ROS 10 एंड्रॉयड 10 बेस्ड कस्टम रोम, जिसमें आपको 5 दिसंबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगा। कई दो दिनों से मैं ये रोम यूज़ कर रहा हूँ और रोम मुझे बिल्कुल रॉक सॉलिड लगा, कोई भी बग्स या इश्यूज मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला। अगर आप ये रोम इंस्टॉल करने का प्लान कर रहे हो तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखना। पोको F1 के लिए एंड्रॉयड 10 बेस्ड सारे कस्टम रोम्स तो अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है, लेकिन जितना भी ट्राई किया है एक बहुत अच्छी बात है, ऑलमोस्ट सारा रोम मुझे स्टेबल लगा। ROS भी उनमें से एक है, स्टेबल भी है, स्मूथ भी है। ऐप ओपनिंग स्पीड की बात करूँ, रैम मैनेजमेंट की बात करूँ, चाहे गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ, ये रोम आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। गाइस HDR मोड में भी आप PUBG का मजा ले सकते हो बिना किसी इशू के, ना ही आपको कोई हीटिंग इशू देखने को मिलेगा। आपको स्क्रीन पे ये जो 9 एप्स दिख रहे हैं ना, मैं हर वीडियो में इन एप्स को सेम एप्स को ओपन करूंगा और फिर इसे रीलॉन्च करूंगा। इसका टाइम दिखाऊंगा आपको हर वीडियो में, यानी कौन से रोम ने कितना टाइम लगाया था इन सारे ऐप्स को ओपन और रीलॉन्च करने में, और बेंचमार्क स्कोर भी हर वीडियो में आपको दिखा दिया करूंगा। इससे आपको परफॉर्मेंस का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कौन से रोम में आपको कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ओके गाइस, तो 2 मिनट 15 सेकंड लगा सारे ऐप्स को, यानी 9 ऐप्स को ओपन करने में। अब मैं इसे रीलॉन्च करता हूँ। टोटल टाइम लगा 2 मिनट 41 सेकंड। इन 9 ऐप्स को ओपन करने में पोको F1 को लग गया है ROS के साथ 2 मिनट 14 सेकंड सारे ऐप्स को ओपन करने में, फिर उसे रीलॉन्च करने में 38 सेकंड, टोटल लग गया है 2 मिनट लगभग 42 सेकंड। तो ये अपना बेंचमार्क बन गया है। अब जब भी मैं किसी भी रोम का रिव्यू करूंगा, इस रिजल्ट को लेटेस्ट रोम के रिजल्ट से कंपेयर करके आपको दिखा दूंगा। साथ में मैं आपको MIUI का जो लेटेस्ट स्टॉक रोम होगा उसका रिजल्ट भी दिखा दिया करूंगा। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा रोम कितना क्विक है। गाइस म्यूजिक की बात करूं तो स्पीकर एंड हेडफोन मुझे ठीक लगा। स्पीकर का सैंपल मैं आपको सुना देता हूं, आप खुद ही देख लो। एंड गाइस PUBG की बात करूँ तो आप HDR ग्राफिक्स एंड अल्ट्रा फ्रेम रेट के साथ PUBG एंजॉय कर सकते हो बिना किसी लैग्स के। आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा इस रोम में, एंड कोई हीटिंग इशू भी, मेजर हीटिंग इशू, हल्का सा फोन जरूर गर्म होता है लेकिन कोई मेजर इशू देखने को नहीं मिलेगा। गाइस वैसे तो मेरा बैटरी काफ़ी पुराना हो चुका है और पहले जैसी बैटरी लाइफ मुझे देखने को नहीं मिली है, लेकिन एक आइडिया के लिए आपको बता रहा हूँ कि लगभग HDR मोड में अगर आप PUBG खेलते हो तो 26-28% बैटरी ड्रॉप देखने को मिल रहा है मुझे एक घंटे में। स्मार्ट लॉक के अंदर अब आपको फेस अनलॉक देखने को नहीं मिलेगा एंड आपको फिंगरप्रिंट से ही काम चलाना पड़ेगा। फिंगरप्रिंट क्विक लगा मुझे, एक्यूरेट भी है। गाइस अब कुछ कैमरा के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। ANX कैमरा मैंने इंस्टॉल करके देखा, काम नहीं कर रहा है। ये मैंने ANX कैमरा ओपन किया, देख सकते हो काम नहीं कर रहा है। एंड गाइस जी कैम में अनफॉर्चुनेटली इस रॉम में भी वीडियो रिकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है रियर कैमरे से, फ्रंट कैमरे में काम कर रहे हैं बट रियर कैमरे में, मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, ये 1-2 सेकंड में क्रैश कर जाएगा। तो ये इशू है, इसका भी उपाय है, आप ओपन कैमरा इंस्टॉल कर लेना, ओपन कैमरा, इससे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस सारे बेसिक फंक्शंस लाइक फोन कॉल्स, डेटा, इन कॉल वॉल्यूम, ब्लूटूथ, GPS, लोकेशन सर्विस वगैरह सब कुछ काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है। अब थोड़ा सा कस्टमाइजेशन, ये है स्टॉक लॉन्चर, डिफॉल्ट लॉन्चर, जिसमें आपको थोड़ा सा कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगा। ग्रिड यानी कॉलम्स एंड रोज को आप कस्टमाइज कर सकते हो। क्विक टॉगल्स दिखा देता हूँ आपको, जो कि लिमिटेड है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सारे यूजफुल क्विक टॉगल्स आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस अगर आपको नेटवर्क स्पीड यानी इंटरनेट स्पीड मीटर इनेबल करना है तो नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा ट्रैफिक इंडिकेटर्स। अब चलते हैं हम बैटरी सेटिंग्स में, यह है बैटरी सेटिंग्स, बैटरी परसेंटेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा,
लॉक स्क्रीन पे भी आप चार्जिंग इन्फो इनेबल कर सकते हैं। एंड डिस्प्ले में चलते हैं नाइट लाइट, अडैप्टिव ब्राइटनेस, स्टाइल्स एंड वॉलपेपर। स्टाइल्स एंड वॉलपेपर में आपको वो जो पिक्सल एक्सपीरियंस रॉम में स्टाइल्स देखने को मिलता है वो देखने को नहीं मिलेगा। आप अपना क्रिएट कर सकते हो स्टाइल, फॉन्ट, आइकन शेप, आइकन कलर वगैरह आप कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, एंड ग्रिड का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टाइल्स में। क्लॉक कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाएगा रॉम में। एंड अब चलते हैं नीचे की तरफ, डबल टैप टू वेक, डार्क थीम, कलर बकेट। थीम्स एंड स्टाइल में आपको कोई थीम देखने को नहीं मिल रहा है, तो उस कमी को पूरा कर देता है ये फीचर कलर बकेट। ओके, अभी मैंने स्टाइल अप्लाई किया है, अब मैं आपको नाइट अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये हो गया नाइट, पिच ब्लैक, डार्क ग्रे, स्टेटस बार आइटम्स, वेदर, जेस्चर्स, डबल टैप टू स्लीप ऑन, स्टेटस बार, डबल टैप टू स्लीप ऑन लॉक स्क्रीन। अब पावर बटन को कस्टमाइज कर सकते हो, अभी आप देख सकते हो पावर, रीस्टार्ट, स्क्रीनशॉट, फ्लैशलाइट के साथ साथ मैं सेटिंग्स, लॉकडाउन, एयरप्लेन वगैरह भी ऐड कर सकता हूँ पावर बटन में। एंड गाइस, पावर बटन में आप एडवांस्ड रीस्टार्ट भी ऐड कर सकते हो, ये आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बटन देखने को मिल जाएगा। ये हम लॉन्ग प्रेस करते हैं, रीस्टार्ट पे टैप किया और अब आपको दिखा एडवांस्ड रीस्टार्ट, यानी सिस्टम में रिबूट कर सकते हो, रिकवरी मोड में डायरेक्ट जा सकते हो एंड बूट लोडर मोड में भी। गाइस, ARROS में आपको बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलता, लेकिन रॉम काफी स्टेबल एंड स्मूथ लगा, इसलिए मैंने सोचा इसका रिव्यू कर दिया जाए। तो अब मैं आपको एंड में बूट एनिमेशन दिखाता हूँ, कौन सा बूट एनिमेशन आपको इस रॉम में देखने को मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसे वीडियोस देखते रहने को मिलता रहे।